अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी वीडियो पर इसी वजह से आए हैं कि आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा है कि लिखे हुए काम को दोबारा लिखना है, तो बिल्कुल ठीक किया आपने। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप रीटाइपिंग करके पैसे कमा सकते हैं। मींस आपके स्क्रीन के सामने टाइप हुआ हुआ होगा और आपने उसी को रीटाइप करके उनको भेज देना है और वो आपके अकाउंट में मंथली $175 से लेकर $400 तक भेजते रहेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से वेबसाइट बताता हूँ, काम सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने काम करना है। आपको यहाँ पर फाइवर पर जाने की जरूरत नहीं, आपको अपवर्क पर जाने की जरूरत नहीं, आपको एक सिंपल प्लेटफॉर्म पर जाना है, अकाउंट क्रिएट करना और अपना काम पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना है। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो स्क्रीन पर। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो का करते हैं आगाज और जिस वेबसाइट पर आज हम वर्क करने वाले हैं उसका नाम है odeskwork.com। आपके सामने ये पेज ओपन करके दिखा रहा हूँ। किस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको यकीन आ जाए कि रीटाइपिंग करके भी आप इतने पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पर रीटाइपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बजट है $300 का और 138 तक मिनिमम बिड लगाई हुई है लोगों ने और 200 लोग यहाँ से बिड लगाकर काम कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये देखें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हेलो आई नीड अ फ्रीलांसर हु इज़ गुड एट टाइपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीटाइप सम डॉक्यूमेंट्स। आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिसे आपने देखकर उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को रीटाइप करना है अपने मोबाइल पर। अच्छा जी, यहाँ पर स्किल रिक्वायर्ड मांगी हुई है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की और प्रूफ रीडिंग की, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन दें तो ट्रांसलेशन आपने करना क्या है, सिंपल गूगल इंग्लिश टू उर्दू या स्पेनिश टू इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपने जस्ट गूगल पर कॉपी पेस्ट करना है और वहाँ से कर लेना है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। कैटेगरी क्या है, यह है इंटर डाटा एंट्री एंड एडमिन की, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी और यहाँ पर नीचे जो फ्री लॉन्सर्स ने यहाँ पर काम किया है, 200 फ्री लॉन्सर्स ने बिड लगाई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया से आ रही है, इंडिया से, इंडिया, 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 नीचे पाकिस्तान भी आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें सारे लोग, 200 लोगों ने इससे पैसे कमाए और इसी तरह की बहुत सारी आपको जॉब्स मिलने वाली है इस प्लेटफॉर्म पर। तो आपने करना क्या, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने वो क्लिक कर लेना, वरना आपने लिखना odeskwork.com। आपको सबसे पहली वेबसाइट ये नज़र आएगी, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं ये सारा वर्क और आप इसे इजीली डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं बट हमने तो करनी है रीटाइपिंग की जॉब। किस तरह से करनी है सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा जी, ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड फ्रीलांसर्स टू टेकल एंड एनी वर्क एनी टाइम इन एनी बजट। आप कोई भी फ्रीलांसर्स यहाँ पर काम कर सकता है, किसी भी टाइम किसी भी वर्क को परफॉर्म कर सकते हो, किसी भी बजट में जो आपका बजट है आप वो काम कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू हायर, आई वॉन्ट टू वर्क, हमने जाना है आई वॉन्ट टू वर्क पर, ठीक है। अब आई वॉन्ट टू वर्क पर क्लिक करने के बाद हमें एक नए इंटरफेस की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि साइन अप एज अ फ्री लॉन्सर अकाउंट। आपने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड देना है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना नाम दिया, फिर उसके बाद हमने ईमेल दी। अच्छा, फिर उसके बाद यूज़र नेम क्या है, तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे देता हूँ, देखें। अच्छा, यूज़र नेम के साथ आपको बार बार कहता हूँ कि अल्फ़ाबेट के साथ न्यूमेरिकल ज़रूर होने चाहिए और एक यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। पासवर्ड की बात आ जाती है तो पासवर्ड मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आपने जब भी पासवर्ड टाइप करना है तो पासवर्ड ऐसा टाइप करें जो आसान भी हो और समझ में भी ना आने वाला हो। मीन्स के आपने जो करेक्टर्स अल्फ़ाबेट देने हैं वो छोटे बड़े देने हैं लाजमी, और उसके बाद न्यूमेरिकल एंड स्पेशल करेक्टर्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, रीटाइप कर रहा हूँ। रीटाइप करने के बाद नीचे चलेंगे, नीचे जाने के बाद हमने यहाँ पर स्पेशल करेक्टर दिया और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक किया एंड आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड जस्ट साइन अप। आपने इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं यू रजिस्टर सक्सेसफुली, यू मस्ट कम्प्लीट योर प्रोफाइल टू एक्टिव और अपसेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे सेव किया पासवर्ड को क्योंकि मैंने आगे भी वर्क करना है। अब यहाँ पर मैंने एक्टिव साइड करने के लिए प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल फॉर हायर यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर अवेलेबल फॉर हायर टर्न ऑन डिस्प्ले एंड एनी इनवाइट मी बटन ऑन योर प्रोफाइल अलाउंग टू एम्प्लॉयर्स टू सजेस्ट प्रोजेक्ट फॉर यू, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑन ही रखा है
उसके बाद यहाँ पर अपनी प्रोफाइल हमने कंप्लीट करनी है, यहाँ पर आ गया जीरो अर्न नो स्किल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हमने सबसे पहले इसे कर लेना है एडिट। अच्छा जी, प्रोफेशनल जो टाइटल है वो टाइटल हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर टाइटल लिखना ही यही है कि प्रूफ रीडर टाइपिंग रीटाइपिंग वर्क के लिए डाटा एंट्री। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर मैंने डाटा एंट्री लिख दिया। ठीक है, आपने प्यारा सा लिख लेना है कि आई विल डू डाटा एंट्री फॉर यू रीटाइपिंग एंड प्रूफ रीडिंग, सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, डाटा एंट्री लिखा, सेलेक्ट कंट्री लिखा, यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद मैंने नीचे आ जाना है यहाँ पर अपने वर्क की तरफ। ठीक है, आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिखा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखने हैं आवर रेट, रेट आपने आवरली क्या रखना है अपना, हमने रखना है यहाँ पर $150 तक। ठीक है, या अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर पे मैं आपको कहूँगा कि $20 to $30 यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्किल लिखनी है आपने यहाँ पर, स्किल्स आपके पास कौन सी है, आपके पास डाटा एंट्री की स्किल है। ठीक है, यहाँ पर आपने डाटा एंट्री की स्किल लिखनी है, टाइपिंग की स्किल लिखनी है, राइटिंग की स्किल लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के अंदर ही आ जाता है, राइटिंग लिखनी है। यहाँ पर आपने ईमेल मी जॉब टू इनवाइट टू माय स्किल। ठीक है, यहाँ पर ईमेल पे भी आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपको ईमेल आ जाए, और उसके नीचे आपने कर लेना है यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने सेव करना है इसे सारा को करने के बाद, और उसके बाद आपने यहाँ पर अवेलेबल फॉर हायर कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पर आ रही है आपके पोर्टफोलियो की। ठीक है, ऐड पोर्टफोलियो टू योर प्रॉफिट करना है, यहाँ पर ऑप्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ऐड पोर्टफोलियो कर लेते हैं, और ऑप्शनल है, ऑप्शनल मीन्स के अगर आप कर लें तो ठीक है, वरना रहने दें, बट करना चाहिए, आपने अपनी रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपने वर्क लिखना है कि आप क्या वर्क कर चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस है, बट ये भी ऑप्शनल है। अच्छा, सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, सर्टिफिकेशंस भी ऑप्शनल, और एजुकेशन भी आपकी ऑप्शनल है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी ऑप्शनल हैं, और ऑप्शनल के अंदर ही आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते रहना है। ठीक है, आपने यहाँ पर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे उसे आपने कर लेना है सेव। अच्छा, सेव करने के बाद यहाँ पर आपने सारी चीज़ें एंटर करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है अपने प्रोफाइल के डैशबोर्ड पर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर ये देखे माई क्रेडिट्स इनबॉक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं अभी यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल टोटल प्रोफाइल पर आ चुका हूँ, यहीं पर एडिट वगैरह का ऑप्शन है जो मैंने करना है। अच्छा, माई अकाउंट पोर्टफोलियो वगैरह सारी चीज़ें आपने सेट करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं माई प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको माई प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहा है, और प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं कि किस काम में आप करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कीवर्ड लिखना है कि राइटिंग का है, रीटाइपिंग का है, ठीक है, डाटा एंट्री का है। इसे फिल्टर भी आप कर सकते हैं, अपनी बिड भी लगा सकते हैं अगर आपने किसी को लगानी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं वो प्रोजेक्ट्स भी आपके लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर हो जाते हैं। देखिए, रीटाइपिंग का MS वर्ड की है, ठीक है, $100 की इनकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर वर्डप्रेस और राइटिंग है, ज़ीरो बिड लगी हुई है। ठीक है, अब ज़ीरो बिड लगी हुई है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर बिड लगा सकते हैं, अभी अभी नई पोस्टिंग हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ बिड लगानी है, देखिए एक्टिव करना है, बिड प्रोजेक्ट करना है, यू कैन नॉट बिड एनी प्रोजेक्ट विदाउट अपडेटिंग योर प्रोफाइल। जब आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लें तो आपने यहाँ पर बिड पर क्लिक करना, और बिड लगाने के बाद आपने जस्ट वहाँ पर लिखना है कि हाँ जी, मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मेरे यहाँ पर अवेलेबल हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर देना है। आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आएगी, और ईमेल आने के बाद आपका यहाँ पर वर्क सेटल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी माई क्रेडिट्स के अंदर, क्रेडिट्स अवेलेबल होगा आपको, कितना आपने यहाँ पर किया है, कितना नहीं किया, बैलेंस आप कर सकते हैं, टॉप अप क्रेडिट कर सकते हैं, किसी को हायर करना है अपने, आप यहाँ पर क्रेडिट फॉर विड्रॉल, यहाँ पर आप अपने क्रेडिट सेट कर सकते हैं। पेपाल है, बैंकिंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर पेपाल देना चाहें आप दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं तो पेपाल यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आपने बैंकिंग करना है तो आप यहाँ से अपना बैंकिंग का अपडेट कर सकते हैं विड्रॉल के लिए। ठीक है, जब आपका $100 हो जाएगा, आपकी पेमेंट आ जाएगी, आप किसी भी टाइम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और इजी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा बैलेंस देख रहे हैं आप, ज़ीरो है, ट्रांजेक्शन्स इस वक्त ज़ीरो है, क्योंकि मैंने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मसला आता है इसमें, तो मैं हाजिर हूँ, इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प भी करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बता दूँ,
अब कुछ लोगों का जो क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन ये होगा कि सर मेरा जो आ रहा है कंट्री का आ रहा है, वो कंट्री नहीं सिलेक्ट हो रही। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़े की आपको चीज़ बता देता हूँ कि किस तरह आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। देखिए, जब आप एडिट में आते हैं ना, समटाइम्स क्या होता है, अब जिस तरह मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें पाकिस्तान की जो कंट्री होगी वो आई नहीं रही होगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आएगा, ठीक है इसमें। बट मज़े की चीज़ आपने क्या करना है, आपने अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट ये प्रोफाइल क्रिएटिंग का है, इसमें आपके पैसों पर कोई इशू नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ नहीं आपकी होगी कि आपने कोई यार यहाँ पर इतना मसला आ जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। आपने जस्ट यहाँ पर कंट्री करनी है, इंडिया भी कर लें, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये इंडिया की है, उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपने अपनी प्रोफाइल इस तरह देके क्रिएट कर लेनी है, फिर मुझे आप कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर यहाँ पर मेरी कंट्री नहीं सिलेक्ट हो रही, कंट्री नहीं सिलेक्ट हो रही। भाई कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ का भी मसला नहीं है, किसी भी 1% का मसला नहीं है कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट ना हो। आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, आपको जस्ट ईमेल चाहिए था, आपने दे दिया, आपको कोई वीपीएन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको काम मिलेगा, आप बिड लगा सकते हैं, इजीली बिड लगा सकते हैं। अब अपना काम करें, पैसे पकड़ें और घर को जाएं, बस आपने ये काम करना है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी वीडियो की। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, प्लीज़ लाइक और कमेंट दबा कर किया करें।